नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज मैं आप लोगों को छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि हमारे CGPSC, CGPAPAM और होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा ही जाता है। तो अच्छे से याद करते चलना दोस्तों, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एकदम सरल भाषा में आप लोग को मैं समझाऊँगा और समझते चलना। यदि मेरे चैनल में नए हो गए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलो तो हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोग का विषय का चर्चा का विषय रहेगा आप लोगों का छत्तीसगढ़ के साहित्य और उनकी रचनाएं। ठीक, उनकी रचना देखेंगे। तो देख लो, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार और उनकी रचनाएं देखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले कपिलनाथ कश्यप के बारे में देखिए। कपिलनाथ कश्यप ने सबसे पहले श्री राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा, ये सभी महाकाव्य लिखे हैं। क्या लिखे हैं? महाकाव्य। तो ये उसका महाकाव्य क्या क्या हो जाएगा याद रखना, श्री राम कथा, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत कथा उसका महाकाव्य है। डाहर के काटा और डाहर के फूल, डाहर के काटा और डाहर के फूल याद रखना है दोस्तों, डाहर के काटा और डाहर के फूल कपिलनाथ कश्यप जी का रचना है। तथा गजरा और गुरावट बिहाव, गजरा याद रखना, गजरा और गुरावट विवाह, गजरा और गुरावट विवाह है दोस्तों, गुरावट विवाह। अंधियारी रात अब तो जागाओ रे, अंधियारी रात है अलग से और अब तो जागाओ रे, ये सभी क्या है? कपिलनाथ मिश्र जी का, मतलब कपिलनाथ कश्यप जो इसकी रचनाएं हैं। सीता की अग्नि परीक्षा एग्जाम में पूछा जाता है, सीता की अग्नि परीक्षा याद रखना। क्लियर है? सीता की अग्नि परीक्षा किसकी रचना है? तो कपिलनाथ कश्यप जी की। ठीक, कपिलनाथ कश्यप याद रखना है। क्लियर है? तो याद रखना, एक बार फिर से बता रहा हूँ, कपिलनाथ कश्यप जी की रचनाएं सबसे पहले याद रखना है आप लोग को, श्री राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत का सभी उसका महाकाव्य है। डहर के काटा या डहर के फूल, गजरा, गुरावट बिहाव, अंधियारी, अंधियारी रात, अब तो जागो रे, सीता की अग्नि परीक्षा, ये सभी कपिलनाथ मिश्र, मतलब कपिलनाथ कश्यप की क्या है आप लोग का रचनाएं हैं। क्लियर है? इसके बाद दूसरा देखो दोस्तों, दूसरा याद रखना कपिलनाथ मिश्र, क्या याद रखना है? कपिलनाथ मिश्र। तो कपिलनाथ मिश्र के बारे में देखो, कपिलनाथ मिश्र जी ने क्या लिखा है? खुसरा चिरई के बिहाव, खुसरा चिरई के बिहाव, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, खुसरा चिरई के बिहाव करके। तो खुसरा चिरई के बिहाव किसने लिखी है? कपिलनाथ मिश्र याद रखना, खुसरा चिरई के बिहाव। ठीक है, केयूर भूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केयूर भूषण के बारे में याद रखना है दोस्तों, केयूर भूषण। तो देखो केयूर भूषण, तो केयूर भूषण जी ने क्या क्या लिखी है तो याद रखना आप लोग, केयूर भूषण के बारे में, तो केयूर भूषण जी ने कुल के मर्जात, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, और तीसरा लहर याद रखना है, कुल के मर्जात, दूसरा याद रखना कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा, तीसरा लहर, लहर याद रखना, लहर। क्लियर है? इस प्रकार केयूर भूषण जी की रचनाएं याद रखना है। उसके बाद अगला है डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने रचनाएं की है आप लोगों की, लेड़गा, ऊंच नीच, करम छड़ा, जर्नल सिंह। करम छड़ा के एग्ज़ाम में पूछ चुका है दोस्तों, इसलिए याद रखना करम छड़ा किसकी रचना है, तो खूबचंद बघेल याद रखना, खूबचंद बघेल। क्लियर है? एक बार और बता देता हूँ, लेड़गा, ऊंच नीच, करम छड़ा, जर्नल सिंह याद रहेगा। क्लियर है? सभी को याद करना है दोस्तों। इसके बाद आप लोग का अगला हमारा साहित्यकार है गोपाल मिश्र। देखो याद रखना है, ये डॉक्टर खूबचंद बघेल के बाद आप लोग को गोपाल मिश्र के बारे में याद रखना है, गोपाल मिश्र जी ने क्या क्या लिखे है देख लो। तो सबसे पहले याद रखना आप लोग, गोपाल मिश्र जी ने आप लोगों का खूब तमाशा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है खूब तमाशा किसकी रचना है, खूब तमाशा याद रहेगा। खूब तमाशा के बाद सुदामा चरित, भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित और भक्ति चिंतामणि और खूब तमाशा, ये किसकी रचना है भाई? तो याद रखें आप लोग को,
याद रखना है गोपाल मिश्र, क्लियर है? ठीक। उसके बाद टिकेंद्र टिकरिया, टिकेंद्र टिकरिया का आप लोग का साहूकार ले छुटकारा एग्ज़ाम में पूछ चुका है, तो याद रखना है आप लोग को, याद रखना है टिकेंद्र टिकरिया। टिकेंद्र टिकरिया की रचना सबसे पहले गवैया, याद रखना गवैया, क्लियर है? गवैया। इसके बाद नाक में चूना, नाक में चूना के बाद देवार डेरा। एक लास्ट टाइम इसका इम्पोर्टेंट याद रखना आप लोग, साहूकार ले छुटकारा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्लियर है? इस प्रकार चार याद रखना, टिकेंद्र टिकरिया, टिकेंद्र टिकरिया का हो जाएगा गवैया, साहूकार ले छुटकारा, नाक में चूना और देवार डेरा। अगला हमारा साहित्यकार है दानेश्वर शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दानेश्वर शर्मा के बारे में देखो, ठीक है? दानेश्वर शर्मा, तो दानेश्वर शर्मा ने किस किस की रचना की है पूछा जाएगा, तो तपत कुरु भाई, तपत कुरु याद रखना है, तपत कुरु, तपत कुरु भाई, तपत कुरु, हर मौसम में मैं छंद लिखूंगा, लव कुश, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, याद रहेगा दोस्तों, इतना याद रखना है, तपत कुरु भाई, तपत कुरु, हर मौसम में छंद लिखूंगा, लव कुश, छत्तीसगढ़ के लोकगीत, किसकी रचनाएं हैं, तो दानेश्वर शर्मा, याद रखना दानेश्वर शर्मा, क्लियर है? दानेश्वर शर्मा का बात याद रहेगी, ओके। चलो उसके बाद द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की रचनाएं देखिए, तो आप लोग का द्वारिका प्रसाद तिवारी, देखो द्वारिका प्रसाद तिवारी, तो द्वारिका प्रसाद तिवारी सबसे पहले याद रखना लिख रचना की है राम और केवट संवाद, राम और केवट संवाद, केवट संवाद, कुछु कहीं, गोस्वामी तुलसीदास, गांधी गीत, सुराज फागुन, सुराज फागुन डपकत गीत, ये सभी गीत है दोस्तों, गांधी गीत, सुराज गीत, फागुन गीत, डपकत गीत, पंचवर्षीय योजना गीत, ये सभी इनके गीत, लिखी हुई गीत है, किसके, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी के। और लेड़गा लइका, लेड़गा लइका एग्ज़ाम में पूछ चुका है, लेड़गा लइका याद रखना है, द्वारिका प्रसाद तिवारी जी की रचनाएं, क्लियर है? ओके। इसके बाद अगला आना है डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, देखो दोस्तों डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा की रचना सबसे पहले याद रखना आप लोग, देखो एक गीत है हमारे, कौन से गीत, सबसे पहले गीत याद रखना अरपा पैरी के धार, हमारे 2019 में इसको क्या है राजकीय गीत की दर्जा मिल गई है ना भाई, अरपा पैरी के धार, ठीक है? इसके बाद देखना छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किसने लिखी है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, सुबह की तलाश, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, ठीक है? ये सभी की रचना, छत्तीसगढ़ी भाषा का उद्विकास किसकी रचना है, नरेंद्र देव वर्मा, सुबह की तलाश किसकी रचना है, नरेंद्र देव वर्मा, अपूर्वा, मोला गुरु बनाई लेते, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आप लोग को अरपा पैरी के धार, अरपा पैरी के धार, ठीक है? हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत है भाई, याद रहेगा डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, ठीक है? उसके बाद अगला हमारा नरेंद्र वर्मा, वो नरेंद्र देव वर्मा है, और देखो ठीक है ये क्या है आप लोग का डॉक्टर नरेंद्र वर्मा और एक डॉक्टर, ये नरेंद्र वर्मा, ये डॉक्टर नहीं केवल नरेंद्र वर्मा है, तो नरेंद्र वर्मा केवल एक बात याद रखना इसमें, देखो इसकी रचना जो है थरहा, थरहा जानते हो, थरहा, आज के गोट, आनी बानी के गोट, तब औ अब, तब औ अब, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, नरेंद्र वर्मा, याद रखना डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, क्लियर है दोस्तों? डॉक्टर परदेसी राम वर्मा के बारे में जानेंगे, तो डॉक्टर परदेसी राम वर्मा सबसे पहले याद रखना आवा, आवा, आरुग फूल, मैं बैला नोहा, औरत खेत नहीं माटी पुत्र, इम्पोर्टेंट याद रखना आवा, 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 क्लियर है? आवा किसकी रचना है, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा, ठीक है? मैं बैला नोहा, याद रखना मैं बैला नोहा, औरत खेत नहीं माटी पुत्र, ये सभी आप लोगों का डॉक्टर परदेसी राम वर्मा की रचनाएं हैं। डॉक्टर पालेश्वर शर्मा याद रखना, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा सुसग झन कुर्री सुरताले लिखी है, कौन सी रचनाएं की है, सुसग झन कुर्री सुरताले, तिरिया झनम झनी दे, छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार, छत्तीसगढ़ के इतिहास और परम्परा, छत्तीसगढ़ ही शब्दकोश, ये सभी की रचना किसने की है, हमारे पालेश्वर शर्मा जी ने, डॉक्टर पालेश्वर शर्मा
सुसल झनकुर्री सुरताले तिरिया जन्म झनी दे छत्तीसगढ़ के तीज त्यौहार छत्तीसगढ़ की इतिहास और परंपरा छत्तीसगढ़ी शब्दकोश। क्लियर है, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगला है प्यारे लाल गुप्त। प्यारे लाल गुप्त ने क्या क्या लिखे देख लीजिए एक बार। तो प्यारे लाल गुप्त के बारे में याद रखना है आप लोग को, प्यारे लाल गुप्त जी ने प्राचीन छत्तीसगढ़। उसके बाद याद रखना है प्राचीन छत्तीसगढ़ के बाद लवंगलता, एक दिन, पुष्पहार, ये सभी याद लिखना, याद रखना दोस्तों। प्राचीन छत्तीसगढ़, लवंगलता, एक दिन, पुष्पहार, ये हमारे प्यारेलाल गुप्त जी की रचनाएं हैं। बलदेव प्रसाद मिश्र इनकी रचनाएं देखते हैं। सबसे पहले याद रखना धरती सबके महतारी, मेरी छत्तीसगढ़ ही कहानियां, छत्तीसगढ़ ही कविता के 100 साल, ढाई आखर, रायगढ़ का सांस्कृतिक वैभव और रायगढ़ का कथक, ये सभी याद रखना है दोस्तों। ये सभी किसकी रचना है आप लोगों का, बलदेव प्रसाद मिश्र। फिर से दोहरा रहा हूँ, धरती सबके महतारी, मेरी छत्तीसगढ़ी कहानियाँ, छत्तीसगढ़ी कविता के 100 साल, ढाई आखर, रायगढ़ का सांस्कृतिक वैभव और रायगढ़ कथक, याद रखना दोस्तों। क्लियर है, ये सभी आप लोग का बलदेव प्रसाद मिश्र जी की रचनाएँ हैं। बंसीधर पांडे, देखो दोस्तों बंसीधर पांडे याद रखना है। तो बंसीधर पांडे किसकी रचना की है, तो बंसीधर पांडे ने हीरू के कहनी, ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम उपन्यासकार हैं बंसीधर पांडे, और विश्व का फल इसी की ही रचना है। इसके बाद मुकुटधर पांडे उसका भाई, मुकुटधर पांडे याद रखना है। तो मुकुटधर पांडे ने क्या क्या लिखे देख लो, कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, शैलबाला, विश्वबोध। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा। इसके बाद देखो मुकुटधर पांडे के बाद फिर से दोहराता हूँ, कुर्री के प्रति, पूजा के फूल, शैलबाला, विश्वबोध, ये किसकी रचनाएं हैं, मुकुटधर पांडे की। उसके बाद लोचन प्रसाद पांडे याद रखना है, लोचन प्रसाद पांडे देख लो आप लोग। तो लोचन प्रसाद पांडे याद रखना है, लोचन प्रसाद पांडे जी की रचना कलिकाल याद रखना है। ये उसकी सबसे पहले प्रथम नाटककार है ना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटककार लोचन प्रसाद पांडे, जिसने लिखी है कलिकाल, किरारी का काष्ठ स्तंभ, भूथामंडल, कुसुम माला और नीतिमाला, दो मित्र, इन सभी के बारे में किसने लिखी है, लोचन प्रसाद पांडे। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, लोचन प्रसाद पांडे आप लोग का कलिकाल, किरारी का काष्ठ स्तंभ, भूथामंडल, कुसुम माला और नीतिमाला और दो मित्र, इन सभी की रचना लोचन प्रसाद पांडे जी ने की है। इसके बाद आप लोग का अगला है बाबू रेवा राम। क्लियर है, बाबू रेवा राम याद रखना, बाबू रेवा राम ने विक्रम विलास की रचना की है, राम अश्वमेघ और रतनपुर का इतिहास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना है ना। ये बाबू राम हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहासकार माना जाता है इसको भी। क्लियर है, तो देख लो पहला फिर से दोहरा रहा हूँ, बाबू रेवा राम के बारे में विक्रम विलास लिखी है, राम अश्वमेघ और रतनपुर का इतिहास। क्लियर है, चलो इसके बाद अगला लखन लाल गुप्त याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लखन लाल गुप्त के बारे में एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो लखन लाल गुप्त ने क्या क्या लिखी है देख लो आप लोग, लखन लाल गुप्त जी ने हाथी घोड़ा पाल की, सरग ले डोला ऐस, संझौती के बेरा, चंदा अमृत बरसाइस, गोट बात सोन पान, छत्तीसगढ़ी बाल नाटक, याद रहेगा। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों मैं, याद करते चलना। लखन लाल गुप्त जी ने हाथी घोड़ा पाल की, सरग ले डोला ऐस, संझौती के बेरा, चंदा अमृत बरसाइस, गोट बात सोन पान, छत्तीसगढ़ी बाल नाटक। क्लियर है दोस्तों, इन सभी की रचनाएं किसने की है, हमारे आप लोग का लखन लाल गुप्त जी ने। क्लियर है बातें, याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगला लक्ष्मण मस्तूरिया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देख लक्ष्मण मस्तूरिया के बारे में याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले गंवई गंगा के बाद मोर संग चलाओ रे, माटी कहे कुम्हार से, घुनही बासुरिया, सांवरी हमू बेटा भुइया के। क्लियर है, फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, देखते चलना, याद करते चलना। लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने आप लोग का गंवई गंगा, मोर संग चलाओ रे, माटी कहे कुम्हार से, घुनही बासुरिया, सांवरी और हमू बेटा भुइया के,
क्लियर है, इतना याद कर लेना। उसके बाद डॉक्टर विनय कुमार पाठक, डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी की रचना है आप लोग का छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, एक रूप एक है शाखा, एकादशी और अनचिन्हार, और भोजली याद रखना। भोजली किसकी रचना है दोस्तों? विनय कुमार पाठक जी की, जो कि हमारे हिंदी की बुक भी लिखी है और आप लोग का छत्तीसगढ़ी बुक भी लिखी है। क्लियर है, विनय कुमार पाठक याद रखना। तो इस फिर से दोहरा रहा हूँ, विनय कुमार पाठक की कहा जो सभी रचनाएं हैं, विनय कुमार पाठक के बारे में याद रखना। इसी ने क्या क्या लिखी है? छत्तीसगढ़ी लोक कथा, छत्तीसगढ़ी साहित्य और साहित्यकार, एक रूप एक शाखा, एकादशी और अनचिन्हार, और भोजली। क्लियर है, याद रहेगा। चलो ठीक है, इसके बाद आप लोग का डॉक्टर विमल कुमार पाठक के बारे में याद रखना है, डॉक्टर विमल कुमार पाठक। चलो, तो डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी ने क्या क्या लिखी है? गवई के गीत, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए ओ लोग, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए ओ लोग, चिंगारी के फूल, याद रहेगा दोस्तों। फिर से दोहरा रहा हूँ, देखना, विमल कुमार पाठक जी ने हमारे गवई के गीत, छत्तीसगढ़ के हीरे कहाँ गए ओ लोग, चिंगारी के फूल, इन तीनों की रचना आपका मुख्य रूप से डॉक्टर विमल कुमार पाठक जी ने की है। क्लियर है। उसके बाद डॉक्टर शंकर शेष जी के बारे में याद रखना, क्लियर है। तो डॉक्टर शंकर शेष, देखिए, डॉक्टर शंकर शेष ने छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, घरौंदा और दूरियाँ, इन तीनों की रचना की है। ठीक है, तो फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, डॉक्टर शंकर शेष जी ने किन की रचना की है? छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, घरौंदा और दूरियाँ, इनकी रचना सभी, छत्तीसगढ़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, घरौंदा, दूरियाँ, इन सभी की रचनाएं डॉक्टर शंकर शेष जी ने की है। क्लियर है। उसके बाद शिव शंकर शुक्ल याद रखना, शिव शंकर शुक्ल जी ने, तो शिव शंकर शुक्ल जी ने किसकी रचना की है? एग्जाम में पूछा जाता है, देखो, तो शिव शंकर शुक्ल याद रखना, दिया के अंजोर, मुंगरा उपन्यास है उसका, डोकरी के कहनी, दामाद, बाबू दुलारू, देख रहे हो। फिर से दोहरा रहा हूँ दोस्तों, शिव शंकर शुक्ल जी ने आप लोगों का दिया के अंजोर, मुंगरा जो एक उपन्यास है, डोकरी की कहानी, दामाद, बाबू दुलारू, इन सभी की रचना की है। क्लियर है। चलो, इसके बाद आ जाना श्याम लाल चतुर्वेदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, श्याम लाल चतुर्वेदी याद रखना। श्याम लाल चतुर्वेदी जी ने आप लोगों का पर्रा भरलाई, राम वनवास, भोलवा भोला राम बनीस, मया के मोटरी, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद याद रखना है, फिर से दोहरा रहा हूँ, श्याम लाल चतुर्वेदी जी ने पर्रा भरलाई, राम वनवास, भोलवा भोला राम बनीस, मया के मोटरी, इन सभी की रचनाएं श्याम लाल चतुर्वेदी जी ने की है। शुक्लाल पांडे के बारे में याद रखना है, गिया और भूल भुलैया, पुरु झुरु, दो रचना याद रखना है। क्या क्या बताया? शुक्लाल पांडे, गिया और भूल भुलैया, पुरु झुरु, क्लियर है, दो रचना शुक्लाल पांडे के बारे में। उसके बाद याद रखना है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के बारे में, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार दोस्तों, प्रहलाद चरित्र को और करुणा पच्चीसी को, याद रखना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या क्या रचनाएँ की है। देखो, छत्तीसगढ़ ही दान लीला, सरदार सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित्र, करुणा पच्चीसी, सीता पार्वती परिणय, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद याद रखना, मतलब फिर से दोहरा रहा हूँ, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने हमारे छत्तीसगढ़ की दान लीला, सच्चा सरदार, प्रहलाद चरित, करुणा पच्चीसी और सीता परिणय और पार्वती परिणय, इन सभी की रचना आप लोगों की कौन की है भाई? पंडित सुंदरलाल शर्मा, याद रखना। चलो, इसके बाद छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकारों की रचना के बारे में देखते हैं, महिला छत्तीसगढ़ ही, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ही की जो हमारी महिला साहित्यकार और उनकी रचना इम्पोर्टेंट हमारी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलो देखो, तो छत्तीसगढ़ की महिला साहित्यकार और उनकी रचना क्या क्या देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम डॉक्टर निरुपमा के बारे में, डॉक्टर निरुपमा, ठीक है, डॉक्टर निरुपमा ने क्या क्या रचना की है? देखो भाई, पतरेंगी याद रखना, ऋतु वर्णन, दाई खेलंदे, बूंदों का सागर, क्लियर है दोस्तों। इसके बाद इस फिर से दोहरा रहा हूँ, डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी ने पतरेंगी,
ऋतु वर्णन, दाई खेलन दे, बूंदों का सागर, इन सभी की रचनाएं हमारे डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी ने की है भाई। हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार भी कही जाती है इनको, डॉक्टर निरुपमा शर्मा को। उसके बाद याद रखना शकुंतला शर्मा, ठीक है, शकुंतला शर्मा जी की याद रखना है। क्या क्या लिखी है, चंदा के छाँव में, कुमार संभव और करगा। उसके बाद याद रखना है, दोहराने फिर दोहरा रहा हूँ, शकुंतला शर्मा जी ने चंदा के छाँव में, कुमार संभव और करगा इन रचना को की है, ठीक है। शकुंतला शर्मा, सत्यभामा आड़िल के बारे में याद रखना है, सत्यभामा आड़िल, रथिया पहागे गोट, रथिया पहागे और गोट किसकी रचना है, तो सत्यभामा आड़िल जी की रचना है रथिया पहागे और गोट, क्लियर है। इसके बाद सरला शर्मा, सरला शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला उपन्यासकार के भी नाम से जाने जाते हैं, तो याद रखना आप लोग सरला शर्मा। सरला शर्मा ने क्या क्या रचना की है, सुरता के बादर, माटी के मितान, आखर के आरग, क्लियर है दोस्तों। फिर से दोहरा रहा हूँ अच्छे से देखते चलो, सरला शर्मा जी ने सुरता के सागर, माटी के मितान, आखर के आरग, क्लियर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सुधा शर्मा, सुधा शर्मा जी ने भी लिखी है, क्या क्या लिखी है, तरिया के आंसू, धन बहार में, धन बहार के छाँव में, बन के चंदैनी, ठीक है दोस्तों। फिर से दोहरा रहा हूँ, सुधा शर्मा जी ने किसकी रचना की है, तरिया के आंसू, धन बहार के छाँव में, बन के चंदैनी, क्लियर है, चलो ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों का जो मुख्य मुख्य हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सबको मैंने आप लोग को एक बार बता दिया, और आप लोग अच्छे से इसको लिख लेना और इसी को ही पढ़ना आप लोग को मैं बता रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। फिर मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।